पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद दल बदलने की राजनीति ने बंगाल की राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। भाजपा में करीब 4 साल बिताने के बाद मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में वापस आने के बाद दल बदलने की राजनीति तेज हो गई है। मुकुल रॉय ने पत्रकारों से कहा कि वो कई भाजपा विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा में बड़ी फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की भाजपा में बगावत के संकेत देना शुरू कर दिया है। मुकुल रॉय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा से लोग तृणमूल में आ जाएंगे। मुकुल रॉय लगातार भाजपा नेताओं और आयोजकों के संपर्क में हैं, साथ ही उन लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं जिन्हें वे 4 साल भाजपा में रहते हुए तृणमूल से लाए थे। सूत्रों ने बताया कि रॉय खुद मानते हैं कि वे भाजपा नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल में वापस लौट आए हैं। ममता ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ा रोल दिया जाएगा। बेटे शुभ्रांशु ने मुकुल के प्लान को और विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कम से कम 20 से 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव की बात किया है, अब उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। शुभ्रांशु ने मुकुल के भाजपा के दौर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता तब दबाव में थे, इस दबाव का असर उनकी सेहत पर देखा जा सकता था। उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, जबकि वे पहले ऐसा करते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या तुम बीजापुर विधानसभा सीट से जीतोगे। उस दिन वो बेहद अपसेट थे। वहीं मुकुल के तृणमूल में जाने के बाद से ही भाजपा की नज़र अपने नेताओं और विधायकों पर है। भाजपा की कोशिश है कि वो अपने नेताओं को पार्टी में ही रखे, इसलिए ऐसे नेताओं पर नज़र रखी जा रही है जो पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राजभवन में 25 विधायकों की गैर मौजूदगी को भी भाजपा ने गंभीरता से लिया है। एक भाजपा नेता ने कहा कि कुछ विधायक स्वार्थ कारणों से नहीं आए, कुछ पहले से ही व्यस्त थे, लेकिन कुछ ने पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी।